जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी स्थिति को दोहराती है, तो उसकी गति आवर्त गति तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है, जैसे सॉरी उसकी गति आवर्त गति कहलाती है, जैसे जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, हम नेक्स्ट कर लेने से पहला हेडिंग पहला बना देना, नंबर सेकंड लिखेंगे, उदाहरण लिख रहे हैं, मतलब ये हाँ पहला नंबर था ये कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नंबर सेकंड नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, दीवार घड़ी में नंबर नेक्स्ट दीवार घड़ी में सुइयों की गति, दीवार घड़ी में सुइयों की गति, सुइयों की गति नंबर नेक्स्ट में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, आदि हैंड डालेंगे इसी में ही। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन एस एच एम, देखो सरल आवर्त गति क्या होती है, अगर कोई कण जो है वो यह है कोई कण अगर वो किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है ऐसे, तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है, क्योंकि वो एक निश्चित समय के बाद में बार बार अपनी स्थिति पर आ जाता है, फिर अपने निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति पर आ जाता है, ये गति कहलाती है आवर्त गति। लेकिन अगर कोई वस्तु जो है वो कोई एक बिंदु है उसके बाद अपनी स्थिति कुछ इस तरीके से दोहराती है, कि पहले अधिकतम मान पा गई फिर शून्य पा गई, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम मान पा गई फिर शून्य आ गई फिर विपरीत दिशा में, तो ऐसी गति को कहते हैं सरल आवर्त गति। इस गति में विस्थापन, ये जो त्वरण होता है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, माइनस चिन्ह जो है वो ये दर्शाता है कि त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में है, ठीक है जी। तो ये तुम्हारी इसमें क्रिया है, ज
जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर एक निश्चित समांतराल में दोनों ओर एक निश्चित समांतराल में अपनी स्थिति को दोहराती है, अपनी स्थिति को दोहराती है, और जिसमें वस्तु का त्वरण, और जिसमें वस्तु का त्वरण और जिसमें वस्तु का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, सरल आवर्त गति कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है, कहलाती है। नए लेंस लेंगे। जैसे जैसे स्प्रिंग के दोलन सरल आवर्त गति कहलाती है, जैसे स्प्रिंग के दोलन जैसे स्प्रिंग के दोलन उसमें लेंगे। स्प्रिंग के दोलन ना ना स्प्रिंग के दोलन बस ये उदाहरण है इसका। नई लाइन से लिखेंगे, माना माना सरल आपत गति करते हुए, माना सरल आपत गति करते हुए, सरल आपत गति करते हुए वस्तु का विस्थापन, माना सरल आपत गति करते हुए वस्तु का विस्थापन सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु का विस्थापन बाई है, बाई है, और उसका त्वरण स्मॉल ए है, त्वरण स्मॉल ए है, तब ए ए स्मॉल ए है तब, और ये ए अनुक्रमानुपाती लिख देने से ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि त्वरण विस्थापन की विपरीत दिशा में है, दर्शाता है कि त्वरण विस्थापन की विपरीत दिशा में है।
वक्त आएगा। ये जो स्केच पेन होते हैं ना, ये बहुत काम के होते हैं। लकड़ी की पेंसिल जब छोटी हो जाती है ना, तो इनमें डाल के पट चलती है फिर बढ़िया तरीके से, ढक्कन में भी और उसमें भी। ये इंडिया की टेक्निक है, विदेश में तो आधी पेंसिल हो गई तो नहीं लेंगे, यहाँ तो वजह जरा सी भी रह गई ना अच्छी। हाँ जी, लगा देते हैं। हो गया भैया, नीचे लिखेंगे वृत्तीय पथ पर गतिमान कण की गति। देखो, ये कोई कण है P, और ये कण इस तरीके से गति करता है। अब जब ये कण ऐसे करके ये जैसे कण ये यहाँ आता है, तो इसका जो ये है ना लंब PN, वो यहाँ आ जाता है, एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये लंब है यहाँ से यहाँ तक, इस पर डाल दिया, ये इसका व्यास हो गया। अब जैसे जैसे ये कण इधर से इधर को आता है, तो ये जो लंब है लंब ये नीचे की ओर को आता है, ये इधर को आता है लंब नीचे को आता है। ये जब यहाँ जाएगा तो ये वाला पूरे पूरे लंब जो वो यहाँ आ जाएगा। जब ये कण इधर को चलेगा तो लंब ऊपर को चलने लगेगा, जब ये कण इधर को चलेगा तो ये वाला लंब जो वो ऊपर को गति करेगा, जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये लंब ऊपर पहुँच जाएगा, कण फिर यहाँ आएगा तो लंब नीचे को आएगा। यानी कि कण अगर जो वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो लंब जो है ना वो इस तरीके से गति करेगा, ऊपर नीचे, यानी कि मूल बिंदु के ऊपर और नीचे। अगर कोई वस्तु किसी एक बिंदु के, निश्चित बिंदु के दोनों ओर अपनी स्थिति को दोहराती है, तो उसकी गति को आवर्त गति नहीं कहते, उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। तो हम कहेंगे कि वृत्तीय पथ पर गतिमान अगर कोई कण गति कर रहा है, तो उसकी गति तो आवर्त गति है, परंतु उसके लंब की गति जो है ना वो सरल आवर्त गति होती है। तो जब सरल आवर्त गति के लिए हम सब ये बात बता देंगे, तो सरल आवर्त गति से संबंधित हम परिभाषाएं लिखेंगे कि आयाम किसे कहते हैं सरल आवर्त गति का, आवृत्ति किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, ये तरंग दे दे कोण वगैरह ये सब आगे आ जाएंगे कालांतर। तो ये इससे संबंधित परिभाषाएं हैं। फिर आगे के चल गए, अभी तक तुमने जो गति पढ़ी है वो एक तो पढ़ी थी ये चैप्टर नंबर 5 में सरल गति, है ना, सरल रेखीय गति कहते हैं, सिंपल गति होती है सरल रेखीय गति। इसके बाद गति पढ़ी तुमने ये वाली प्रक्षेप्य गति, उसके बाद नवा चैप्टर आया गति पढ़ी ये वाली वृत्तीय गति, उसके बाद जो गति पढ़ी ये वाली कि कोई से भी पिंड है उसके अंदर कुछ छेद कर दिया हमने, अब इसमें गति आ गई इसकी। फिर इसमें अभी तक फिर गति नहीं आई है, अब गति आई तुम्हारी ये वाली दोलन गति, जैसे कहते हैं सरल आवर्त गति। इसके बाद जो आ जाएगी वो तरंगों की गति आ जाएगी, ये वाली, देख रहे हो कौन सी गति होती है, ये सब गति हैं। अब कौन सी वाली, हाँ ये सरल गति हो गई, प्रक्षेप गति हो गई, वृत्तीय गति हो गई, घूर्णन गति भी इसी के अंदर आ गई, वो जब रोड डाल देते हैं किसी के अंदर, फिर दोलन गति और ये तरंग गति, ये और ये जो है ये इंटर में आएगी, ये तो तुम्हें बार बार फिर दोबारा सेंटर में मिलेगी।
ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट ईयर का लास्ट होता है ना, वो इंटर की शुरुआत होती है। अब कोई अगर जो किसी को शुरुआत छोड़ दे बीच में से पढ़ना शुरू करे, तो बस वो हेरे काटे गया, समझ में आ रहा पता कैसे पढ़ा रहे हैं, वो वाली बात होती है। तो अब होता क्या है कि ये सब जितनी भी गति हैं, जब जब तुमने गति पढ़ी थी, पहली गति ये, जब ये गति पढ़ी थी तो उस गति में हमने ये चार पांच चीजें निकाली थी, याद करो। विस्थापन, विस्थापन इसी का वेग निकाला था, त्वरण निकाला था, बल वगैरह निकाले थे सब, चार ये समयों में सब आ गया था, समय अंतराल ऐसे ही। इसमें जब हमने करा था तो इसमें विस्थापन की समीकरण अलग निकाली थी, वेग की अलग निकाली थी, समतल की अलग निकाली थी, पथ की अलग निकाली थी, औसत वेग अलग निकाला था। जब वृत्ति गति में आए थे तो सारे के सारे नाम बदल गए थे। विस्थापन का क्या हो गया था? कोणीय विस्थापन। वेग का कोणीय वेग, त्वरण का कोणीय त्वरण, बल का बलागुण। ऐसे जब हमने इसमें दृढ़ पिंड में करा था तो हमारी पूरी समीकरण ही बदल गई थी। समीकरण दोबारा से हमने जो गति की प्रथम द्वितीय समीकरण आई थी, घूर्णन गति की गति समीकरण अलग आई थी जब दृढ़ पिंड में कर रहे थे। तो अब हम आ गए यहाँ, अब हम यहाँ जब दोलन गति करेंगे तो अब इसका विस्थापन समीकरण अलग निकालेंगे, इसका वेग समीकरण अलग निकालेंगे, इसके जो त्वरण का समीकरण है वो अलग निकालेंगे, आवर्तकाल का समीकरण अलग निकालेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा अलग निकालेंगे, गतिज ऊर्जा अलग निकालेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से इसकी एक अपनी अलग दुनिया है, ये अपने आप में ये सब अलग है। गति होगी लेकिन इनके सारे नाम वाम सब अलग होते रहेंगे, ठीक है ना जी। इसके बाद ये अगला लास्ट चैप्टर होगा तुम्हारा, तरंग वाला। तो ये सेकंड लास्ट चल रहा है, इसके बाद लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो जी चित्र बना लेंगे ये, मैं कुछ ऐसे लिखी होगी परिभाषा शुरू से, एक मिनट मैं करूँ। माना एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ये तो लिखा है, कैपिटल ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। माना किसी क्षण यह कण बिंदु पी पर है, जिससे वृत्त के व्यास से बाय बाय डैश पर अभिलंब पी एन डाला जाता है। हाँ चलो ठीक है, लंब पी एन डाला जाता है, यहाँ तक हो गए। फर्स्ट ऑफ ला लेंगे, जब यह कण बाई पर पहुँचता है, हाँ फर्स्ट ऑफ ला लेंगे, जब यह कण बाई पर पहुँचता है तो अभिलंब, तो अभिलंब का बिंदु एन, तो अभिलंब का बिंदु एन बाई पर पहुंचता है, तो अभिलंब का बिंदु एन बाई पर पहुंचता है, बाई पर पहुंचता है, और जब यह है और जब यह है एक्स डैश, और जब यह है एक्स डैश पर पहुंचता है, एक्स डैश पर पहुंचता है, तो अभिलंब, अभिलंब का बिंदु एन, बिंदु एन ओ पर पहुंचता है, एन ओ पर पहुंचता है, पर पहुंचता है। फर्स्ट ऑफ लग लेंगे, जब जब कण बाई डैश पर, जब कण बाई डैश पर पहुंचता है, जब कण बाई डैश पर पहुंचता है, तो बाई डैश पर पहुंचता है, बाई डैश पर पहुंचता है, तो अभिलंब, तो अभिलंब, अभिलंब का बिंदु एन बाई डैश पर पहुंच जाता है,
वाई डैश पर पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है और जब जब कण एक्स पर पहुंचता है एक्स पर पहुंचता है तो अभिलंब का बिंदु एन तो अभिलंब का बिंदु एन अभिलंब का बिंदु एन पुनः ओ पर आ जाता है पुनः ओ पर आ जाता है। ओ पर आ जाता है ओ पर आ जाता है। और जब कण पी पर पहुंचता है और जब कण पी पर पहुंचता है तो अभिलंब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो अभिलंब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो अभिलंब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है।